सबको देखा बार बार, हमको देखिए अब की बात। चेयरमैन पद का उम्मीदवार आपका सहयोगी है इसरार। आप देख रहे हैं News 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। माँ के दूध और बहन के धागे का कर्ज भी याद नहीं आया कातिलों को। अपने सिर का बोझ हटाने के लिए माँ और बहन की हत्या। आज नवागत SP ओमवीर सिंह ने माँ बेटी की हत्या का खुलासा 24 घंटे में करके जनपद में हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने की शुरुआत कर दी है। ज्ञातव्य हो कि SP ओमवीर सिंह ने गाजीपुर की कमान 24 घंटे पहले ही संभाली थी। इसके बाद डबल मर्डर से सामना हो गया। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के कठौत गांव में सोमवार की सुबह माँ बेटी की हत्या की खबर क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी। खबर मिलते ही मौके पर फोरेंसिक टीम और IG जोन समेत जनपद के आला अधिकारी पहुंचे। मौके पर ही साक्ष्य और सबूतों ने माँ के लिए बेटा और बहन के लिए भाई कातिल गौरी शंकर राजभर की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गौरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया। डबल मर्डर के पीछे पैसे के लेन देन का दबाव बताया जा रहा है। गौरी शंकर ने पड़ोस के ही मोहन राजभर की 15 बीसवा जमीन ग्राम प्रधान संजय राम के माध्यम से 23 लाख रुपए में मुसाफिर राम के नाम रजिस्ट्री करा दी और पैसे अपने पास रख लिए। पैसे को लेकर दो बार पंचायत हुई, जिसमें ग्राम प्रधान संजय राजभर और गौरी शंकर ने भी पैसा देने को राजी हुए, मगर गौरी शंकर के पास पैसा नहीं होने से हिला हवाली कर रहा था, जिससे पंचायत और लेनदार के दबाव में मकान बेचने की ठानी। परंतु मकान बेचने में माँ आड़े आ रही थी। रविवार को रात्रि में निमंत्रण के बहाने घर से निकला और देर रात घर वापस पहुंचकर माँ का गला रस्सी से कसकर हत्या कर दी और माँ का शव ठिकाने लगाते वक्त बहन ने देख लिया, जिसके चलते उसी तरह बहन की भी हत्या कर दी और घर से भागकर अनियंत्रित सो गया। सुबह होने पर घर पहुंचकर रोने का ढोंग किया और पुलिस को सूचना दी। News 9 भारत के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। कल सुबह थाना मोहम्मदाबाद पुलिस के पास ये सूचना आई थी कि थाना क्षेत्र में एक गांव में कठहत, वहां पे दो महिलाओं की डेड बॉडी एक घर में पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, उस क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मेरे द्वारा स्वयं, IG महोदय भी इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पहुंचे थे। इसमें जो हमारे SP ग्रामीण हैं, उनके नेतृत्व में, उनके सफल निर्देशन में इस पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो मृतिका है उसी के बेटे द्वारा यह अपराध कारित किया गया था। इसके मूल में करीब 2 वर्ष पहले एक जमीन का सौदा हुआ था। उस जमीन के सौदे में, वो सौदा करीब 23 लाख का था, जिसमें 11.5 लाख रुपए जो इस घटना का अपराधी मेन अभियुक्त है गौरी शंकर, उसके पास थे। गांव में अब पंचायतें हो रही थी। इस दौरान पिछले विगत 2 वर्षों में लगभग 6-7 बार पंचायत हुई, जिसमें उस पर यह दबाव बनाया गया कि भाई पैसे वापस दिए जाए। उसके पास पैसे देने का कोई जरिया मास नहीं था, केवल एक मकान था जिसमें उसकी बूढ़ी माताजी वह स्वयं रहते थे और वो मकान उसकी बूढ़ी माताजी के नाम था। जब उसने बेचने का प्रस्ताव अपनी माँ के सामने रखा तो उन्होंने उसका विरोध किया। इसी से कुपित होकर इसके द्वारा अपनी माताजी तथा इसकी बूढ़ी माता की सेवा के लिए इसकी एक बहन आई हुई थी, दोनों की 13/14 रात में हत्या कर दी गई तथा एक कहानी इसने गढ़ी, जिसमें इसने गांव के कुछ लोगों को नामित किया था FIR में। लेकिन हमारी जो SOG टीम है, सर्विलेंस टीम है, टेक्निकल सर्विलेंस है और मैनुअल हमारी मुखबरी से जो सारे साक्ष्य आए पुलिस के सामने, उसमें गौरी शंकर का पूर्ण रूपेण इसमें हाथ पाया गया और उसने इस अपराध को एक गिल्ट कॉन्शियस के साथ स्वीकार भी किया है। आज उसे कल रात गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये उत्कृष्ट अनावरण हमारी SOG टीम और मोहम्मदाबाद थाना पुलिस ने किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर सर पहले से मुकदमा भी था क्या? हाँ, गिरफ्तार अभियुक्त पहले केवल मुकदमा ही नहीं था, वो 7 साल की उसे सजा भी हुई थी एक हत्या के प्रयास के केस में। इसके अलावा एक मुकदमा
जिस परिपेक्ष में इसने अब हत्या की है अपनी माँ और बहन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।